एक ही डिश जो पंजाब से लेके पूरे हिंदुस्तान को पागल की हुई है वो है छोला भटूरा। और सबसे सस्ता छोला भटूरा कहाँ मिलता है हम आपको दिखाएंगे, मतलब हमारे जमाने में परदादा के परदादा वाले दाम। रेडी, आगे चले। फाइनली उस जगह पे मैं आ चुका हूँ जहाँ के छोले भटूरे सबसे ज्यादा हिट है। यहाँ पर लाइनें लगती हैं, लाइनें, ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है। तो हमने सोचा लखनऊ के सबसे टेस्टी और सबसे सस्ते छोले भटूरे आपको दिखाएं, इसके लिए मैं आ चुका हूँ। और आज फिर से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? अगेन, एक बार दोबारा, तो मिस्टर रिच मेरे साथ है। हम दोनों जाएंगे एक बार फिर से वीडियो के बहाने ही छोले भटूरे चखेंगे। हेलो गाइस, तो आपको पता है हम लोग कहाँ पर आए हैं? हम लोग आए हैं कपूरथला नगर निगम ऑफिस के पीछे। यहाँ पे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे छोले भटूरे खाने लखनऊ के ही नहीं, शायद यूपी के। द प्रीमियम शिवम के साथ रिचमास एंड शिवम कॉम्बो में आए हैं आपको एंटरटेन करने यहाँ के लिए और आपको बताने के लिए कि यहाँ का खाना असल में लगता कैसा। ओके, शिवम कहाँ है? शिवम कैमरे के पीछे है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपको छोले भटूरे खाने होते हैं तो कहाँ जाना होता है? शायद दिल्ली, पंजाब। और अगर वैसा ही टेस्ट आपको लखनऊ में मिल जाए तो कैसा रहेगा? आई नो, अमेजिंग रहेगा। और उसकी प्राइसिंग अगर कमाल हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि हम इंडियंस फ्री के दीवाने होते हैं, ऐसी सस्ते के भी दीवाने होते हैं। तो यहाँ पर जो भटूरे आपको मिलेंगे वो इतने सस्ते हैं कि अगर आप कबूतर पालें तो कबूतर महंगा पड़ जाएगा। दो भटूरे विद छोले, विद सलाद, विद अचार, विद मिर्ची, विद दुनियादारी, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए पर प्लेट। यानी 12 रुपए दो भटूरे खाओ, थोड़े एक्स्ट्रा छोले और डलवाओ, थोड़ी एक्स्ट्रा प्याज और ले लो, थोड़ी सी मिर्च और ले लो, फिर भी 12 रुपए। अब दो भटूरे और खाने हैं तो 12 रुपए और डालो, यानी 24 रुपए में 4 भटूरे, मतलब 8 नहीं 4 भटूरे। इट इज दैट सिंपल। आज के जमाने में मैकडोनल्ड्स को पीट दिया हमने, बिकॉज दिस इज आज के जमाने में आपके परदादा के परदादा वाले दाम। और मेरे पीछे आप वो शॉप देख रहे हैं जहां पर लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। दोपहर को यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि शायद हम वीडियो भी शूट ना कर पाते, इसीलिए लगभग शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन भटूरे की पार्टी अभी बाकी है। अभी जो भीड़ आपको दिख रही है कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे भटूरे बनते कैसे हैं, इसको खा के लोग क्या कहते हैं, और आपको यहाँ कब आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। और हाँ, 12 रुपए जरूर डाल लाना, क्योंकि 12 रुपए में तो दुआएं भी नहीं मिलती आजकल। विजय भाई, ये बताइए दुकान कितने बजे खुल जाती है? 8 बजे और रात में 10 बजे 10 बजे तक, 8 से 10। अभी बताइए कितनी पुरानी दुकान हो गई है? हम 2002 से हैं। 2002 से आज 2020 आ गया है ना, डिजिट इधर उधर हो गई, लेकिन आप इधर उधर नहीं हुए। जी जी। तो यहाँ पर क्या हाल रहता है, कितनी भीड़ रहती है, कितनी तेज हाथ चलाना पड़ता है आपको? आप तो देख ही रहे हैं कितनी तेज। हाँ, रिकॉर्ड हमने किया है, फिर भी एक साथ कितने लोग मांगते हैं, इधर दो इधर दो, इधर टोकन लाओ इधर टोकन लाओ, तो क्या करते हैं? सबको समझाना पड़ता है। अच्छा, वीरू भैया हमारे साथ। वीरू भैया, कुछ बताइए दुकान के बारे में, कितनी पुरानी है ये? हाँ, 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। शुरुआत में भटूरे की कीमत क्या थी? 1 रुपए का एक, 1 रुपए का एक भटूरा। अब 1 रुपए से लेकर के अब आ गया है 12 रुपए के दो भटूरे, 6 रुपए का एक, वो कब 30 साल पहले के दाम, लेकिन आज भी आपके दाम अनबिलीवेबल है। यहाँ पर ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ किस समय होती है? होती है लंच के समय, 1 बजे से लेके 3 बजे, 1 से 3 बजे के बीच। अच्छा, खाकर पता चलता है स्वाद कैसा होता है, सिर्फ बात करने से पता चलता नहीं है। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब भटूरे खाते हुए लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो क्यों ना इनसे पूछ लें कब से आ रहे हैं, कैसा लगता है। हाँ जी, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हम यहाँ लगभग 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल? और आपका एक सवाल है मेरा, कितने रुपए का भटूरा है यार?
5 रुपए के भी दो भटूरे थे। ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी न्यूज चैनल से बढ़वा दीजिए। नहीं भाई, हाँ फिलहाल 12 रुपए के दो भटूरे, 12 रुपए में आपको दो गर्मा गर्म भटूरे, इतना सारा छोला, अचार, प्याज भी है, मूली भी है, मिर्ची भी है, सब कुछ है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 15 साल? दस बारह साल। स्वाद नहीं बदला, समय बदला लेकिन स्वाद नहीं बदला है। पैसे भी कुछ खास है, मैं तब से आ रहा हूँ, मैंने हमेशा से देखा यहाँ पे 10 रुपए के दो भटूरे मिला करते थे, अब 12 हो गए हैं। 2012 से 2020 आ गए लेकिन चीजें 12 ही हुई हैं। तो सोने में सुहागा है और जो यहाँ का भटूरा ना खाए वो अभागा है। अच्छा, आपने यहाँ भटूरे कितने के देखे थे सबसे पहले, कुछ याद है? 5 रुपए, 5 रुपए के दो भटूरे, तब भी अनबिलीवेबल था। आज 12 में दो भटूरे, सन 2020 में आज भी अनबिलीवेबल है। आप तीनों लोग प्लीज भटूरे का आनंद उठाएं। छोले भटूरे के साथ साथ गुलाब जामुन मिलता है, दही बड़ा मिलता है, पूरियां मिलती हैं, छोले चावल भी मिलता है, जो हमारे दोनों भाई लोग यहाँ पे खा रहे हैं। भाई लोग बढ़िया है। अब कितने का मिला? 15 का हाफ है, फुल 15 का हाफ, और हाफ भी कितना था, ज्यादा था ना, पेट भर जाता है। कब से आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ का स्वाद और कहीं नहीं मिलता क्या? बिल्कुल नहीं ना। मैं दूर से आया, कहाँ से आ रहे हैं? बख्शी का तालाब। अब आपको दूरी कितनी है बख्शी का तालाब और यहाँ? 15 किलोमीटर आए हैं, 15 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन स्वाद ऐसा है जो खींच लाता है, और हमारा वीडियो बनाने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच आप दोनों को। ओके गाइज, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ छोले भटूरे देखे हैं, लेकिन छोले भटूरे के साथ कहते नहीं है लोग कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा भी है। और छोले भटूरे के साथ जब वहां पर हम लोग छोले भटूरे देखे थे, तो बगल में वहां पर दही बड़ा भी लगा था, और दही बड़ा खाते खाते एक जनसन खड़ा भी है, तो क्यों ना हम लोग इनसे पूछते हैं कि आखिरकार दही बड़ा है कैसा। तो कैसा है दही बड़ा यहाँ? ओके, अच्छा है। ओके, मतलब आप यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया है, 2 महीने हो गया। ओके, इनको 1-2 महीने हुए हैं। वैसे कई ऐसे हैं भी यहाँ पर जो कई सालों से आ रहे हैं, जैसे आपने पिछले में सुना था कि यहाँ पर उनको 15 साल हो रहे हैं कई लोग खाते खाते, और काफी टाइम बाद इन्होंने चावल शुरू करा, फिर उसके बाद इन्होंने बाद में काफी आखिर में इन्होंने दही बड़े शुरू करे। तो फिलहाल आपको भूख बढ़ती है या पेट भर जाता है इसको खाने के बाद? नहीं, भर जाता है, अच्छा खासा, आराम से पेट भर जाता है। हाँ जी, 20 रुपए का है ये सिंगल, 20 रुपए का सिंगल, 40 रुपए की प्लेट। ओके, तो 20 का सिंगल, 40 का डबल, क्या बुराई है भाई? तो हम लोग दही बड़ा खाने जा रहे हैं, और आपको पता है दही बड़ा कैसे मिलता है? कैसे? चीख चिल्ला के नहीं मिलता। हाँ, तो भाई टोकन सिस्टम, टोकन, और किनको देना है? भाई साहब को, टोकन उधर काउंटर से लेकर के, हाँ, और यहाँ हमें टोकन मिलता है, और इन सर्जी को देना होता है टोकन। पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान के आगे अर्पण करो, तुम्हें भगवान कुछ देगा, बोला जाता है ना। हाँ हाँ, वैसे ही यहाँ अर्पण करो, आगे ये अर्पण करते हैं, तब ये हमें कुछ मीठा प्रसाद देते हैं। तो ये होता है प्रसाद, जो किसी किसी को नसीब होता है, जो आता है उसको नसीब होता है, जो नहीं आता है वो नहीं खाता है, इधर उधर खड़ा रहता है, जो आता है वो खाता है, जो नहीं आता वो नहीं खाता है। तो भाई लिया जाए इसमें, और ये रहा स्वादिष्ट सा दही बड़ा, तो इसको कहते हैं भगवान का दिया हुआ प्रसाद। हाँ, जो कि आपको भी नसीब हो सकता है, लेकिन जब आप आएंगे तो भैया को थैंक यू बोल दो। तो भैया थैंक यू। ये बताइए, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ का रसगुल्ला है। और कितने का दिया? यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, जो भी आइटम यहाँ पे मिलता है काफी सस्ता मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। अच्छा, और स्वादिष्ट है एकदम, रस में मीठा पका हुआ और सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट और गरम गरम है, बिल्कुल गरम, मतलब लोगों से कहेंगे कि खाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप आराम से अपना रसगुल्ला खाइए। और ये हैं हमारे संदीप भैया। संदीप भैया खाना खाने के बाद आने वालों को पानी पिलाते हैं,
शिकंजी पिलाते हैं और साथ ही साथ हाथ भी धुलवाते हैं, और इनके चेहरे पे आपको हमेशा ऐसी मुस्कान मिलेगी, भले आप गर्मियों में आए, लू में आए, जाड़ों में आए, बरसात में आए, ये मुस्कान का राज क्या है? मुस्कान का राज आप ही लोग हैं। हम ही लोग हैं। तो ये साफ पानी करके पिलाते हैं, यहाँ पे नींबू रखा हुआ है। अब इसी बात पे ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग आपसे दिन भर में कहते हैं हाथ धुला दो? कोई अंदाजा नहीं है। फिर भी लगभग 100+, 200, 300 10-12 लोग, उसमें एक हम भी हैं, हम हमेशा कहते हैं। और पानी कितने लोग पी जाते हैं, कितने ग्लास पानी बेच लेते हैं? पानी नहीं है। फिर भी 300-400 ग्लास पर डे? 100-150 ग्लास पर डे। अच्छा, और एक ग्लास की कीमत क्या है, हमारे व्यूअर्स भी जान पाए? नींबू पानी 5 रुपए का। नींबू पानी 5 और सादा पानी 2 रुपए का। तो ये था हमारा टूर इस गजब की छोला भटूरा फूड शॉप का। 12 रुपए पर प्लेट के छोले भटूरे कहीं अगर मिल जाए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैलेंज ही समझ लीजिए, नहीं मिलेगा कहीं इसके अलावा। और साथ ही साथ एक बात और, यहाँ पर हम दो लोगों ने पेट भर के खाना खाया है और बिल आया है टोटल 94 रुपीज, जिसमें 2 प्लेट छोले भटूरे थे, 1 हाफ छोला चावल था, 2 सिंगल दही बड़े थे और उसके बाद एक नींबू पानी भी था 5 रुपए का। तो टोटल 94 या 100 रुपए का बिल है, उसमें दो लोगों ने आज के जमाने में सुपर खाना खाया है। अगर खाना है तो यही आना है, डिस्क्रिप्शन में पता दे रहा हूँ इस जगह का, आइएगा, खाइएगा और बताइएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए द प्रीमियम शिवम को, यहाँ सारा कंटेंट फ्री है, सारा कंटेंट प्रीमियम है, इसीलिए चैनल का नाम द प्रीमियम शिवम है। और हाँ, बड़े लोगों की तरह एडवाइस दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत स्कोप है। बाय।